और चलिए रुक करते हैं खबरों का। फिरोजपुर में प्रदेश कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हल्का गुरुसराय के सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, जहां जिला प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा शिक्षा विभाग समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी जरूरी कोरोना गाइडलाइन का बखूबी से पालन किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हल्का गुरुसराय के 107 स्कूलों में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों में जरूरी विकास कार्यों का काम करवाया गया है और साथ ही कुछ स्कूलों को जरूरत के मुताबिक अपग्रेड भी किया गया है। आज बहुत ही एक खूबसूरत दिन है, खुशी का दिहाड़ा है कि जिथे मैं आज अपने हलका गुरु हर सहाय दे विच जिन्ने भी साढ़े स्कूल अपग्रेड हुए ने, जिन्ने भी स्कूल जिहड़े स्मार्ट स्कूल बने ने, तकरीबन 188 स्मार्ट स्कूल बन चुके ने 212 चो, और असी अज उन्हां जिहड़े स्कूलों के जिहड़े कि बिल्कुल ढा ढेरी हो चुके सी, खत्म हो चुके सी, किसी की चार दीवारी नहीं सी, किसी का कमरा, टॉयलेट, लाइब्रेरीज, लैबोरेटरीज कुछ नहीं सीगा, और उत्थे असी 18 करोड़ रुपया स्कूलों नूं ग्रांट दित्ती है। इहदे नाल नाल ही जिहड़े बच्चों की गिनती सी जिहड़ी वह 6000 तो कुछ उत्ते वाधी लोग बच्चे जिहड़े ने उन्होंने दाखले होर प्राइवेट स्कूल छड़ के ते सरकारी स्कूलों च दाखले लेने, दैट शोज के पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की लीडरशिप थले उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट नू अहम रखते हुए शहरों वर्गियां सहूलतां पढ़ाई दियां पिंडां दे विच जिहड़ियां मुहैया कराईयां ने उहदा जिहड़ा सिट्टा बहुत अच्छा है, और उहदा जिहड़ा क्रेडिट है वह साडी सरकार नूं जांदा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जांदा है, उन्हां दी दूरअंदेशी नूं जांदा है।